हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सी के पी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, आज का जो मेरा क्लास होगा क्लास ट्वेल्थ का आर्ट्स ऑनर्स का जो किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होता है तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता विशाल स्नानागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन ए में दिया गया हड़प्पा, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो और ऑप्शन सी में है कालीबंगान और ऑप्शन डी में लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता स्नानागर का जो कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। टू नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन ए में दिए गए नव पाषाण युग, ऑप्शन बी में पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन सी में लौह युग और ऑप्शन डी में काश्म युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दो का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी होगा, काश्म युग की वो सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। तीसरा क्वेश्चन है करा कालीबंगान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में राजस्थान और ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में पंजाब। तो कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो कालीबंगान जो स्थित है वो है राजस्थान में, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। चौथा क्वेश्चन है करा सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन ए में दिया गया सोना, ऑप्शन बी में चांदी, ऑप्शन सी में लोहा और ऑप्शन डी में तांबा। तो सिंधु घाटी की निवासियों को निम्नलिखित में किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उस सोना जो होता है उसको ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोना। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है करा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में कुमारगुप्त, ऑप्शन सी में अश्वमेधगुप्त और ऑप्शन डी में अशोक। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर जो पांच का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। छठा क्वेश्चन है करा अशोक किस वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए में दिया गया नंद वंश, ऑप्शन बी में मौर्य वंश, ऑप्शन सी में पाल वंश और ऑप्शन डी में हर्यक वंश। तो अशोक किस वंश का शासक था, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि ऑप्शन बी होगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, अशोक किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। सातवा क्वेश्चन है करा किस शासक को जो कि प्रियदर्शी कहा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया अशोक, ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी में बिंदुसार। तो किस शासक को जो कि प्रियदर्शी कहा गया था, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सेवन का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि अशोक को कहा गया था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया था, तो अशोक शासक वंश को प्रियदर्शी कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां क्वेश्चन है करा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो ऑप्शन ए में दिया गया कालिदास, ऑप्शन बी में वानभट्ट और ऑप्शन सी में हरि सेन और ऑप्शन डी में पतंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आठ का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, हरि सेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो हरि सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। नौवां क्वेश्चन है करा गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में के अर्जुन, ऑप्शन बी में बिंदुर और ऑप्शन सी में भीष्म और ऑप्शन डी में पांडु। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा नौ का जो कि सी नंबर होगा, यानी भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था, भीष्म को, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दसवां क्वेश्चन है करा महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली थी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में करा 10 दिन, ऑप्शन बी में 18 दिन, ऑप्शन सी में 10 महीने और ऑप्शन डी में 18 महीने। तो महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी, तो 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई चली थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कहा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया लुम्बिनी, ऑप्शन बी में पावापुरी और ऑप्शन सी में कुंडलग्राम और ऑप्शन डी में सारनाथ। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था,
तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 11 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो कि है लुम्बिनी में हुआ था महावीर का जन्म, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, करा कि अतूप स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है जैन धर्म, ऑप्शन बी में बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी में हिंदू धर्म और ऑप्शन डी में सिख धर्म। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 12 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध धर्म से हो, जो कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में कह रहा है बादशाहनामा किसने लिखा था? बादशाहनामा जो है किसने लिखा था? तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में फैजी, ऑप्शन बी में जो कि अबुल फजल और ऑप्शन डी में अब्दुल हमीद लाहौरी और ऑप्शन डी में निजामुद्दीन अहमद। तो बादशाहनामा किसने लिखा था? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 13 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी जो था बादशाहनामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में शाहजहाँ, ऑप्शन बी में औरंगजेब और ऑप्शन सी में बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी में मोहम्मद शाह। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 14 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, बहादुर शाह जफर जो था भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में 1509 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1526 ईस्वी और ऑप्शन सी में 1556 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1561 ईस्वी। तो पानी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 15 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया गया वीर नरसिंह, ऑप्शन बी में कृष्ण देव राय और ऑप्शन सी में अच्युत राय और ऑप्शन डी में सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 16 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, कृष्ण देव राय जो थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक रह चुके थे कृष्ण देव राय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा हरियर एवं मुक्का किस वंश के थे? तो हरियर एवं मुक्का किस वंश के थे? तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में संगम वंश, ऑप्शन बी में तुलु वंश और ऑप्शन सी में सल्बु वंश और ऑप्शन डी में अराबिडू वंश। तो हरियर एवं मुक्का किस वंश के शासक थे? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 17 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए होगा, जो कि संगम वंश का जो थे, मुक्का किस हरियर एवं मुक्का किस वंश के थे? तो जो कि है संगम वंश के थे, हरियर एवं मुक्का संगम वंश के शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया गया निकालो कोंटी, ऑप्शन बी में है जो कि अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी में जो कि डेमिगोस पेडर्स और ऑप्शन डी में जो कि फरनाओ नुनीज। तो विजयनगर की यात्री पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो यहाँ पर जो 18 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि निकालो कोंडी जो था, वो सबसे पहले विजयनगर यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी जो कि है निकालो कोंडी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है शेख जो कि है मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है अजमेर, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में आगरा, ऑप्शन डी में धौलपुर। तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ है? तो यहाँ 19 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि अजमेर होगा, यानी अजमेर में शेख मुहिद्दीन चिश्ती का बंदरगाह है अजमेर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20वां क्वेश्चन है, करा तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो ऑप्शन ए में दिया गया कबीर, ऑप्शन बी में नानक, ऑप्शन सी में रैदास और ऑप्शन डी में मीरा। तो तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो यहाँ पर जो 20 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन यहाँ पर 20 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, यानी नानक होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे।
इक्कीसवां क्वेश्चन है, इक्कीस नेक्स्ट क्वेश्चन इक्कीसवां है, कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में जो कि जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में कुतुब हिंद ऐबक और ऑप्शन डी में रजिया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, कुतुब हिंद ऐबक जो थे कुतुब मीनार का निर्माण किए थे कुतुब हिंद ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में, 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कबीर, ऑप्शन बी में गुरु नानक, ऑप्शन सी में चैतन्य और ऑप्शन डी में रामानंद। तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो यहाँ पर जो 22 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए होगा, यानी कबीर जो थे बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे, कबीर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में, 23वां क्वेश्चन है, कह रहा है किताब उर रेहला में किसकी यात्रा जो कि वृत्तांत है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में है अलबुरुनी, ऑप्शन बी में अबुल फजल, ऑप्शन सी में इबुतुता और ऑप्शन डी में है जो कि बैरनियर। तो किताब उर रेहला में किसकी यात्रा जो कि वृत्तांत है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 23 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, इब्नु बतूता जो थे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, किताब उर रेहला के जो थे इब्न बतूता थे, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत वहीं किए थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में, 24वां क्वेश्चन है, करा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी में महमूद जो कि है गजनबी और ऑप्शन सी में मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी में तैमूर। तो अब अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो 24 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मोहम्मद गजनबी जो थे अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ आया था, अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो किया ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो किया है बी, यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो ऑप्शन ए में दिया गया इटली, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में मोरक्को। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, मोरक्को होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को दबाकर आप ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होता है तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।